कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको विज्ञान का, देख लीजिए, विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो कि परीक्षा में नंबरों की बौछार कर देगा। 60 नंबर की लिखा पढ़ी कर देता हूं एक ही पेपर से। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। जल का पीएच मान होता है तो 7 हो गया। यहां पर देख सकते हैं पत्ती आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए, किस भाग के लिए होती है तो साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन से, बाकी सब आपके मानव हार्मोन से। पराग कोष में परागकण पाए जाते हैं और 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य की कोशिका में। यदि जोड़े के अनुसार बात करेंगे ना तो 23 जोड़े हो जाएंगे। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक हो गया डायोप्टर, यहाँ से आपको देखना ये हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है, ये बढ़िया से कंप्लीट करना है ना, वे अभिक्रिया है, ये द्विस्थापन आया, यहाँ से अम्लीय, क्योंकि कम समय, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास में बैठा है ना, बढ़िया से तैयारी करो आप। तो ये हो गया इतना यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है जोड़ी नेफ्रॉन का आ जाएगा वृक्क की संरचनात्मक इकाई। हाइड्रा में जो प्रजनन है वो आ जाएगा कलिका यानी अनुकूलन। अनुवांशिकी के जनक आ जाएगा ग्रेगर जोन मेंडल। अपसारी लेंस ये चौथा जाएगा, अपसारी लेंस इसका आ जाएगा यहाँ पर अवतल लेंस। तारों का टिमटिमाना ये है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा, यदि हम बात करें इसकी तो यहाँ से आप कंप्लीट करोगे। लोहे पर जंग लगना इस प्रकार की अभिक्रिया है, लोहे पर जो जंग लगती है वो आपकी संक्षारण है, जिसे हम जंग कहते हैं ना, जंग लगना कहते हैं। उष्मा की दो सुचालक धातुओं के नाम बताइए, एक तो आपकी सिल्वर और कॉपर, ये दो ऐसी धातु है जो उष्मा की विद्युत सुचालक धातु है। अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्त्रावन होता है, अग्नाशय में होता है इंसुलिन, कौन सा हार्मोन से, इंसुलिन। मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहां होती है, व्रसन में। दर्पण फॉर्मूला बताइए, यानी कि दर्पण सूत्र आपको बताना है, ठीक है भैया। तो दर्पण का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 1/F = 1/V + 1/U। देखिए दर्पण में ये रहता है और रिन जो रहता है ना यहाँ पर V के बाद में रिन, तो ये आपका लेंस में रहता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और श्वेत प्रकाश के वर्ण विच्छेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है, बैंगनी रंग का, कौन से रंग का, बैंगनी हो गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 देख लीजिए, यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, है ना। मैंने बार बार बोल रहा हूँ आपको, अच्छे से तैयारी करो, जो बच्चा अच्छी मेहनत करेगा ना उसकी सफलता रंग लाएगी। मनुष्य जो है एक मांसाहारी जीव है, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो ये बात आपकी सत्य है या असत्य है। तो मनुष्य जो है ना वो आपका सर्वाहारी जीव है, कौन सा है, सर्वाहारी, भगत भी मिलेंगे तो कुछ उस भी मिलेंगे, तो इसलिए ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट में लिख देंगे सर्वाहारी। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको सत्य सत्य बता। विभवांतर का जो मात्रा है वो वोल्ट है, बिल्कुल राइट बात है आपकी। विद्युत एक स्थायी चुंबक है, विद्युत जो है वो आपकी एक स्थायी चुंबक है, नहीं, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होगी, इसलिए ये बात आपकी गलत हो गई, असत्य। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल सत्य बात है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, कूलाम जो है वो विद्युत आवेश का मात्रक है, तो ये आपका सत्य रहेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का जो तनुकरण है वो आपका उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है ना, तो इसलिए ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए ध्यान से। यहाँ से विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है, संचारण और विकृत गंधिता का। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम उदाहरण सहित समझाइएगा। अयस्क और गेंग को परिभाषा देनी है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में ये यहाँ से एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, स्वयं पोषी पोषण
और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, हमारे अमाशय में अम्ले की क्या भूमिका है, परागण क्या है, ठीक है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, मेंडल के प्रभाविता के नियम को लिखिएगा, मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक, उत्तल दर्पण, ये सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मुश्किल से एक या दो दिन लगेंगे बच्चों को पूरे नोट्स एक साथ, मेरा विचार है पूरे नोट्स आपको एक साथ कवर करा के दूं, अच्छे से आप तैयारी करिएगा बस, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा, ठीक है, समतल दर्पण के कोई दो उपयोग आपको बताने हैं। इसके बाद में यहाँ से आप देखिएगा आगे, विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं, परिनालिका किसे कहते हैं, चुंबक के निकट लाने पर दिक सूचक की जो सुई है वो विक्षेपित क्यों हो जाती है। एक बार आप जरूर आपके टीचरों से इसके बारे में आप चर्चा कर दीजिएगा कि ये पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे। यदि वो बोल दे कि ये जो भैया बता रहा है ना ये नहीं आएंगे, ठीक है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को कभी भी मत देखिएगा और ना याद करिएगा, आपके टीचर पर मुझसे ज्यादा भरोसा रखिए। पर लेकिन ये देख लीजिएगा कुछ हमारे रिजल्ट है, ये गए साल का 10th क्लास का है, 96.75। यदि आप इस लिस्ट में आना चाह रहे हैं तो मैं आपको 6 पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, शुरुआत में ही कहा है। यदि आप इस लिस्ट में आना चाह रहे हैं, चार पेपर में 80 की लिस्ट में जाओगे, 3 पेपर में आप 70 की कैटेगरी में रहोगे, ठीक है, और 5 पेपर आप 3 पेपर आप करोगे तो 60 रहेगा, और 2 पेपर कर लोगे तो 55 से 60 के बीच में रहेंगे। अब आपको जैसा लगता है वैसे आप पेपर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज मैं आपको बता दूं, भुला दो डर कुछ अलग कर, एक श्लोक याद रखेगा यहाँ पर, एक मोटिवेट के लिए बता रहा हूँ लाइन, कि भुला दे डर कुछ अलग कर, यानी कुछ अलग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या भुलाना पड़ेगा, डर भुलाना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए, तंत्रिका कोशिका न्यूरोन का नामांकित चित्र बताना है, मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने तथा दूर दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष को दूर करना है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाना है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग आपको बताने हैं,